इंदौर में मामूली कहा सुनी और विवाद के कारण आज आए दिन मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वहीं पर इसी के तहत एक वीडियो पानगंगा थाना क्षेत्र का बताकर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है और अब पुलिस इस पूरे वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल घटनाक्रम की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया के द्वारा बताया गया कि पानगंगा थाना क्षेत्र के मेन रोड पर कुछ युवक सीसीटीवी में मारपीट करते हुए कैद हुए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, जिसको लेकर अब पुलिस और साइबर की टीम लगातार सीसीटीवी वीडियो की जाँच कर रही है। जाँच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर यह मारपीट क्यों हुई है। फिलहाल फरियादी ने थाने पर नहीं पहुंचा है और ना ही किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन जिस तरह से युवक के डंडे से पिटाई की जा रही है, दो बाइक सवार रो के द्वारा वहीं पर पुलिस की रात्रि गश्त और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं पर इसके चलते सवाल या निशान खड़े भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया में एक जो कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि मारपीट बताई जा रही है और यह घटना थाना बाड़गंगा क्षेत्र में बताई जा रही है। अभी थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा ये घटना में कौन कौन व्यक्ति हैं इसको आइडेंटिफाइड किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें अभी फिलहाल थाने पर इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन इसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा उसको आइडेंटिफाइड किया जाकर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।